कैमरा चलो यार, मैं लुक गया यस मैम लुक गया वेल मेरी एक वीडियो क्लिप है पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर जो अभी वायरल है वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ इंडिया में पर यूएस में, यूके में, यूरोप में, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने उस वीडियो क्लिप को सराहा, मुझे ग्लोबल वायरल सेंसेशन का अवार्ड दिया। आई एम वेरी हार्ट, आई एम वेरी टच्ड, आई फील वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आज ग्रीन सिनेमा और आपकी आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड है, इसीलिए मैंने भी एक ग्रीन अटायर आज पहना अवार्ड के थीम को लेके। मैं इस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। कीप अप द गुड वर्क। वैसे खबर आ रही है कि आप भोजपुरी गाने बहुत अच्छी तरीके से गा लेते हैं, कुछ दो अंतरा दर्शकों के लिए। नहीं नहीं, मैं भोजपुरी गाने उतने अच्छे नहीं गा पाती। एक बार हाँ, एक गाना है लड़की करेक्ट मारे जो काफी पॉपुलर हुआ, जो लोगों को बहुत पसंद आया, मैंने भी सुना, और लोग कहते हैं कि मुझे भी एक भोजपुरी आइटम नंबर करना चाहिए। तो आज इस अवार्ड में आके मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ हाथ मिलाया है, एंड आई होप इसके बाद कुछ काम भी हम लोग साथ में करें। ऐसा बोल सकते हैं बहुत जल्द पूजा मिश्रा की एंट्री भोजपुरी इंडस्ट्री में होके नया धमाका होने वाला। अभी फिलहाल मेरा एक शो है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो 8 एपिसोड का एक सीजन है जो मैं रिलीज करने वाली हूँ हंगामा प्ले ऐप, MX प्लेयर और वोडाफोन पे, उसे आप लोग जरूर देखेगा और पसंद करेगा। थैंक यू मैम। सवाल पूछ रहे हैं भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। ये बहुत ही अद्भुत एक चलन है, और ये चलन प्रचलन हमेशा चलता रहे, और इसका वर्चस्व एक दिन वाकई बहुत बड़ा दिखेगा, एक दिन की मेरी गारंटी है, क्योंकि जिस हिसाब से ये हो रहा है, मैं पहले भी आया हूँ, अब भी आया हूँ, पहले एज अ श्रोता आया था, और अब मैं अवार्ड लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैंने कभी भोजपुरी सिनेमा में मेरा कोई योगदान नहीं किया, लेकिन चूंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और बॉलीवुड में काम करता हूँ, और मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है मेरे अपने लोगों से, तो इससे बढ़कर के और क्या बात है। विजय पांडे जी बहुत ही नेक, सच्चे और अच्छे इंसान हैं, और अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, तहे दिल से कामना है। कलाकारों को वाकई बहुत गर्वित महसूस होता है, बहुत सम्मानित महसूस होता है, सम्मानजनक लगता है, और ऐसा लगता है कि जब कलाकारों को ऐसा प्रोत्साहित किया जाता है अवार्ड लेकर के, तो इससे हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, कि नहीं इससे अच्छा काम करना समाज को और ये ट्रॉफी मुझे बॉलीवुड में योगदान करने के लिए दिया गया है, और मैं यूपी से छुट्टी बिलोंग करता हूँ, तो अपने लोगों को अपना सम्मान दिया गया। थैंक यू सो मच। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड के बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँगी उतना कम है, और ये चौथी बार हो रहा है मुंबई में, और मेरा परफॉर्मेंस है द बेस्ट मूवी का मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है, तो थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी विजय जी। आपने कहा कि हमें अवार्ड मिलने वाला है, पहले से पता चल जाता है क्या? बड़ा सवाल है, कॉन्फिडेंस है कि हमने किया है, तो उसको सराहने के लिए हमें विजय जी ने अगर इतना बुलाया है, तो हमें जरूर सम्मानित करेंगे। मैम खबर ऐसी है कि आप खेसारी जी के साथ आप गाने का ऑफर हुआ था, लेकिन इनके साथ नहीं कर पाई, उस बारे में। हाँ, खेसारी जी के साथ मुझे गाना कोशिश किया गया था, लेकिन मैं शूटिंग पे बिजी भी नहीं कर पाई, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग काम करने वाले हैं साथ में। मैम मेरे एक दर्शकों के सवाल, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज बहुत सारे खाना खाना। ग्रीन सिनेमा अवार्ड के बारे में क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है, ये चौथा साल है आर्टिस्ट अपॉर्चुनिटी करते हैं ग्रीन सिनेमा अवार्ड के जरिए, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो, अवार्ड्स एज
this awards hum artist ko अवार्ड में जो शायद विजय पांडे जी उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादा बड़े काम करते हैं जी। मैं बारे में यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत बड़ा सा इनिशिएटिव किया हुआ है, उन्होंने सारी कलाकारों कोरोना इतना खूबसूरत सा एक रिकग्नाइजेशन किया है मराठी के हिंदी के डायरेक्टर को भी मैं तहे से प्रणाम करता हूँ। और भोजपुरी के जितने भी सिंगर हैं, बड़े बड़े सिंगर मनोज जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, मोहन सिंह जी हो गए, इन सबका गाना सुनते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भी आप लोग गाना सुने और उसके रिप्लाई दें। हम एक सिंगर एक रैपर हैं और फिल्म सिनेमा अवार्ड के आयोजक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रसाद अवार्ड है, काफ़ी अच्छा तरीका से होता है। मुझे ये भी चाहते हैं कि थाने से और मीरा रोड से आगे जाए, वो अपने शहर में अभी अवार्ड करें अगली बार। सर कोई गाना का है सर पाएगा कि गाँव के तो हम नहीं मानी, गाँव के अपना काहे भूली, दू पैसा के चक्कर में शहर में काहे झूली, चकाचौंध के लाई बहिया भाग दौड़ के भोर, ए भैया बतिया माना चला गाँव की ओर, भैया चला गाँव की ओर, गाँव में जाइए तभी तो कटाई। क्या कहना चाहेंगे मुझे बहुत खुशी हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो आयोजक है विजय पांडे जी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप देख रहे इतना तापमान गर्म है, इतना बड़ा आयोजक, इतना ग्रीन सिनेमा हॉल यानी कि वो अपने हिंदुस्तान के लिए कितने जरूरी है। एक्चुअली हम कोरोना में 2 साल तो ऐसे ही बीत गए, नहीं अभी मैं उसको मौका आया देखते हैं हम करने आए हैं यहाँ पे, और मेरे फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम होगा। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, जैसे एज यूजुअल मैंने बोला है आपको आगे संचिता जी आजकल क्या खा क्या कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली मैंने 2 साल कुछ भी नहीं किया था, अभी मैंने स्टार्ट किया है अभी मैंने एक फिल्म के लिए करके आई सासू जी तुम्हें कदर ना जाए ऐसी ही धमाका बनी फिल्म जैसे मैं निरोवा हिंदुस्तानी टू और रीवा जैसी फिल्म करती वैसे, तो आगे देखते हैं आगे तो अच्छे अच्छे फिल्म मैं करने वाली हूँ बहुत जल्दी सब देखिए। आप अपने आप इतना फिट कैसे रखते कुछ नहीं मेहनत करती हूँ डाइट करती हूँ सब कर सकते हैं ऐसा नहीं है सब सब लोग कर सकते हैं। कुछ बताएं दर्शकों को कितना मेहनत करती है क्या मेहनत करती है। मेहनत का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, हेल्दी खाना हेल्दी रहना, रोज सुबह योगा या मेडिटेशन जॉगिंग जिम जिसको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, डाइट करना चाहिए। अवार्ड्स हैं ना विजय जी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और सबसे पहले भोजपुरी जितने भी हमारे श्रोता हैं सब लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद जो प्रोग्राम है। बाकी चीज़ें अभी आज जो परफॉर्मेंस पूरी हुई है एक साथ ही छुट्टी हुई है जो आज मज़ा आने वाला है एकदम अलग मतलब डिफरेंट। आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड और कल ही आपने शुभ समाचार दे दिया है, शुभ समाचार तो एक अलग पिक्चर है कॉन्सेप्ट है, आप लोग ट्रेलर देखे होंगे देखे होंगे समझ में आ गया होगा, जो नहीं देखे होंगे वो लोग देखिएगा एक बार, बहुत अलग था कॉन्सेप्ट बहुत अलग था चीज़ें। एस आर के म्यूजिक से रिलीज हुआ है शुभ समाचार उसके बारे में क्या कहूँ, जब फिल्म रिलीज होगी तो आप लोग तो समझ में आएगा बात क्या क्या बता सकते हैं। सुमित जी मिलते हैं आपको कॉन्फ्रेंस के बाद देखते हैं क्या।
हमारे बीच में है FWICE. FWICE एक ऐसा फेडरेशन है हमारे इंडस्ट्री में जो जिनके बिना इंडस्ट्री अधूरा है. और आज एक ऐसे यूनियन जहां पे पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं और जहां पर शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर वो तमाम जो बड़े बड़े स्टार जो आज काम कर रहे हैं, उनके जो वर्कर जो काम करते हैं पूरी इंडस्ट्री में, उस वर्कर जो काम करते हैं उनका जो दाता है, हम सबके चहेते अगर कोई एक बड़ा कोई यूनियन कोई हमारे इंडस्ट्री में है तो उसका नाम है FWICE. उनकी प्रेसिडेंट मेरे सामने खड़े हैं, मेरे गुरु जी माननीय श्री PM तिवारी जी के लिए बतालिया हो जाए आप लोग सामने की, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री को चला, जिस तरीके से कोरोना काल में 2.5 साल तक जहां पर यूनियन वाले हमारे कोई यूनियन नहीं आया, लेकिन एक ऐसा यूनियन सामने आया जहां पर जितने भी स्पोर्ट बॉय, लाइट मैन, कैमरा मैन, इन सभी को जो घर घर तक अनाज दिया गया है वो एक ही फेडरेशन है जिसका नाम है FWICE. और BM तिवारी साहब के जरिए से कितने सारे घर में अनाज गया है और आज हमारे बीच में आए हैं, बहुत ही बड़ी बात है. इस प्रोग्राम में आए हैं ग्रीन सिनेमा अवार्ड में. सर क्या बोलेंगे सर? थैंक यू वेरी मच ग्रीन सिनेमा अवार्ड के लिए. आप सबको बहुत बहुत बधाई. सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंट्री के आर्टिस्ट आए थे, हम भी आए थे. हमारे लिए यात्रा पूरी हो गई, कल्याण की सब मुलाकात. अवार्ड के लिए इनके आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. ये सारा माइक कैच कर रहा है जी सर, लेकिन बहुत दो ठीक है. मैं अपने तहत बधाई देना चाहूँगा, दिल से शुभकामनाएं. हमारे लिए खुशी है कि मीरा रोड में इस अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ. मैं मीरा रोड में ही रहता हूँ. हमारे घर में ये अवार्ड होना मतलब एक थोड़ा सुखद अनुभव देना लग रहा है. घर में ये अवार्ड होना अच्छा लग रहा है. ये बड़ा बढ़िया जगह है. प्रतीक है वो बड़ा अच्छा लग रहा है. लेकिन क्या है ना कि केवल एक आप पेड़ पौधे की रक्षा तब करेंगे जब आपके अंदर मानवीयता है, क्योंकि उसमें भी जीवन है. उसकी भी अगर हत्या करते हैं बेवजह का, उसका निर्माण नहीं करते, वृक्षारोपण नहीं करते, पर्यावरण जैसे पशु के साथ जो हिंसा करते हैं उससे हमारे जीवन पे असर पड़ता है और इसमें पर्यावरण पे असर पड़ता है. हिंसा करनी चाहिए. देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या कहेंगे. मैं शुभकामनाएं दूंगा कि विजय पांडे जी ने आज मीरा रोड की धरती पे शिवान गार्डन के प्रांगण में इस अवार्ड का आयोजन किया है. मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई इसी तरह से इस सम्मान को इस श्रेणी तक पहुँचाए, क्योंकि यहाँ से अवार्ड ले करके लोग अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं. दूसरा नहीं बल्कि चौथी बार उनका एक बहुत ही सफल प्रयास है. और जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि सिनेमा एक मजबूत और कहीं वो एक छत के नीचे एकत्र होता है तो ये बड़े खुशी की बात है. और मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं विजय पांडे जी को. मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आए होंगे वो सब अच्छा महसूस कर रहे होंगे. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सेम एक्स्ट्रा क्या बोलूँ, सब लोग ही बेस्ट विशेष देंगे. और मैं तो अच्छा लग रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है. रिहर्सल में आपने बहुत धमाका किया है, स्टेज पे क्या करने वाली है? अरे रिहर्सल में इतना धमाका किया तो स्टेज पे वो क्या है कि रिहर्सल में जो आपने धमाका किया है वो हर म्यूजिक था. म्यूजिक के साथ क्या धमाका किया? एक्चुअली देखिए जहाँ तक आपके सवाल को मैं समझ रहा हूँ, जब आपने बोला कि आगाज जब इतना अच्छा हुआ तो अंजाम तो और भी अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस सही कर रहा है. इधर सामने चलिया करो.
थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाई और इस मंच में मेरा परिवार आज इकट्ठा है, भोजपुरिया परिवार, धन्यवाद देता हूँ ग्रीन भोजपुरी अवार्ड को, जो कि मैं पिछले 3 सालों से इस अवार्ड को छूता हूँ और पैर छू के उस मंच में परफॉर्म करता हूँ, और ये मंच ने मुझे अवार्ड दिया है तो मैं उस अवार्ड को समर्पित करता हूँ अपनी माँ को, जो कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरे दर्शक और मेरे प्यारे भाई बंधु फिर से बुलाते हैं, मैं फिर आता हूँ, अपनी परफॉर्म दिखाता हूँ, मेरी फिल्में नॉमिनेशन होती है, तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्रीन जो कि सिने अवार्ड का। धन्यवाद विजय जी का, सोनू जी का, ऑल क्रू मेंबर का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है मेरे लिए, कि मुझे एक परिवार से जोड़ता है। क्या धमाल करने वाले हैं? मैं बता दूं, मैं कोई धमाल नहीं करता हूं, मैं ब्लास्ट करता हूं, वो सब ब्लास्टिंग अभी जस्ट मंच पे दिखेगा और धमाल सुन सुन के लोग थक गए, अब यहाँ ब्लास्टिंग दिखेगी और मैं एक अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ अशोक खान के साथ, आप लोग जरूर देखें, अगर यहाँ है तो यहाँ देखें, अगर यहाँ नहीं है तो अपने अपने चैनल पे, यहाँ जितना भी चैनल मुझे कवरेज कर रहा है और सेटेलाइट चैनल कर रहा है वो सब पे मैं दिखा रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू। ठीक है, कल आता हूँ। 2 साल से जानता हूँ, रो नहीं करूँगा फिर, और उसके पहले से मैं टच में थे, बट मैं 2 साल से जानता हूँ, बहुत ही उभरता हुआ और सच्चा, जिसको बोलते हैं कि मतलब किसी भी मार्केटिंग वगैरह में नहीं पड़ने वाला ये अवार्ड शो है, और मैं यहाँ आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मुझे लगता है कि सब यहाँ जो भी है एक्चुअल जो है वही। इसके आयोजक जो है विजय पांडे जी, उनकी एक अच्छा पहल है ग्रीन सिनेमा के लिए। विजय पांडे जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं पहली बात, और वो स्ट्रगल कर रहे थे उस जमाने से मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी कोई फिल्म उस समय नहीं थी कि जिसको मैं इसमें डाल पाता, लेकिन इस समय शायद लिट्टी चोखा इन्होंने लिया है, इसी वजह से मैं आऊँ। विजय पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लिट्टी चोखा को इस अवार्ड शो में शामिल किया। आपकी आशिकी बम्पर हिट है, बम्पर धूम मचा दी, उस बारे में क्या करेंगे, कब तक दर्शकों के बीच यूट्यूब पे आएगी? देखिए, आपने आशिकी का नाम लिया, लेकिन जो फिल्मियाँ लगी है या जिसकी एंट्री है वहाँ पर, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि लिट्टी चोखा ने बहुत अच्छा किया था, उसके बाद आशिकी अभी आई है तो ये तो नेक्स्ट ईयर में जाएगी, बट लिट्टी चोखा जो है गजब की फिल्म है, और इसी वजह से इस अवार्ड शो में है, और आशिकी ने अगर अच्छा किया है तो उसके लिए मैं सारे दर्शकों को आपके चैनल्स के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आशिकी को इतना प्यार दिया, और इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आशिकी के बाद कौन सा नया धमाका होने वाला है? देखिए, एक तो जो फिल्म है दिनेश लाल जी के साथ, निरुपा जी के साथ, साथ में अक्षरा सिंह है और सुधीर राव, तो सबका बाप अंगूठा छाप है, और इसके बाद जो फिल्म आने वाली है वो अक्षर विद्या जिसमें सुधीर राव, कुणाल सिंह और आकाश सिंह है, और उसके बाद जो फिल्म आएगी या जो शूट होगी वो विधाता है जिसका, जिसमें खेसारी लाल जी, अक्षरा सिंह, तो उसका डेट अभी नहीं मेरे को मिला है, जब भी मिलेगा तो फिल्म उसके बाद शूट। थैंक यू सर, थैंक यू। के बारे में इन सिनेमा अवार्ड के बारे में यही कहना चाह रही हूँ कि अभी हम लोग रेडी हैं, जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, आकाश मिश्रा, मैं फर्स्ट टाइम में मैम के साथ कर रहा हूँ, एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वसनेस भी है, बट मजा आएगा ऐसा लगता है। और बोला मिलते हैं फिर, अंधेरा भी ज्यादा आता है, अंधेरा भी ज्यादा आता है, थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा इसका भी। बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी इस तरह का पूरा प्रयासन करते रहे, अपनी संस्कृति अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भोजपुरी फीचर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, खासकर ऑर्गेनाइजर कमिटी ने इतनी बढ़िया बेहतरीन काम किए हैं, आगे भी अपेक्षा करता हूँ जो अच्छा काम करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे सर,
वार्ड के बारे में और आपकी मैडम भी पूरा ग्रीन लग रही है। सबसे पहले तो आप मीडिया भाई और अपने दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्ते। मैं एक्टर और सांसद जसवंत कुमार। अच्छा लग रहा है, ग्रीन सिनेमा अवार्ड मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार हो रहा है और यहाँ आके यहाँ का माहौल देख के यहाँ का नज़ारा देख के तो सबको अच्छा लगेगा। मेरा सवाल मैम से है, प्रोड्यूसर भी है, क्या कहना चाहेंगे मैम आप? अच्छा लगा। फंक्शन में हम लोग आए हैं और बड़ी खुशी की बात है और मेरी तरफ से ढेर सारी यही हार्दिक बधाई शुभकामना रहेगा कि अवार्ड ऐसे सालों साल हमेशा चलता रहे और ताकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गौरव जो सम्मान सबको मिलता है वो सबको मिलता रहे। मेरे तरफ से तो यही आपको बधाई रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हाय, मैं ओम प्रकाश यादव। ओम जी, मैं ग्रीन सिनेमा अवार्ड तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे दूसरी और बात जो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा दो हज़ार बात टेक्नीशियन टीम, इसके डायरेक्टर जिंदर झा और मेरे प्रिय कुणाल तिवारी जी को, उसकी हीरोइन जी और पूरी टीम, चाहे स्पॉट बॉय हो चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो, कैमरामैन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर किसी के योगदान है। मैं तो सिर्फ इस फिल्म का नहीं हूँ, बाकी माल खड़ा करने में सभी का योगदान है। थैंक यू। ग्रीन सिनेमा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने ये अवार्ड आज हमें दिया है, ऐसा मैं सोशल वर्कर हूँ उसके बिहाफ पे दिया है, तो डेफिनेटली सोशल वर्क को जब कुछ मिलता है सम्मान तो वो आगे करने की और भी अपेक्षाएं रखता है। जैसे कि हमारे सारे मेरे मीरा रोड के सारे लोग हैं जितने खड़े, सारे मेरे भाई मीरा रोड की अध्यक्ष खड़ी हुई है, नारी सम्मान संगठन मेरा NGO है, मैं उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ सुंदरी ठाकुर। सो इसके लिए हमें दिया गया है, हमारी पूरी टीम है और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को, ऐसा आप लोग हमेशा सम्मान करते रहिएगा और मोस्टली सोशल वर्क को ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि सोशल वर्क में जो वर्क है वो कहीं वर्क नहीं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलिए सर बेटे। नमस्कार, मैं ओ किशन है और इस वक्त मैं आया हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड फंक्शन में परफॉर्मेंस देने के लिए। ये बहुत ही खुशी की बात है, ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स को 4 साल हो चुके हैं, सो आप लोग ये चीज़ जरूर देखिएगा एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको परफॉर्म कर रहे हैं। इधर लुक। अमित जी क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? सबसे पहले भोजपुरी सारे समस्त परिवार के अमित पांडे के कोटि-कोटि प्रणाम। बार आज ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड में आके हमको बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही बढ़िया लगा था कि हमारे सारे भोजपुरी के हमारे बड़े भैया अभिनेता चिंटू पांडे जी और यहाँ पे तमाम अभिनेता अभिनेत्री ले रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हैं अपने बड़े भैया विजय पांडे जी को, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इतना बड़ा समा निकाली का बहुत पहली बार या दूसरी बार होने जा रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड, एक इतिहास बहुत तरीके रच दिया है। बहुत मैं शुक्रिया यहाँ पे आने का विजय पांडे भैया के माध्यम से, नितेश सर के माध्यम से मुझे आने का मौका मिला। और मेरा भी एक सपना है कि सिंगर अभिनेता बनने का, अभिनेता के साथ में समाज सिंगर। आप सिंगर हो तो दो बार एकदम से बिल्कुल और लखन पटना दिल्ली ज्योति आपकी और लखन पटना दिल्ली ज्योति आपकी ये पूरा देश के हुए बॉम्बे के बुके बाप के ये पूरा देश के हुए बॉम्बे के बुके बाप के न पांडे बाकी हमारा गाने के हमारे वीडियो के आप सब प्यार दिए जा और पूरा भाई समर्थ कर जा। जय भोजपुरी, जय समाज। आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड हो रहा है, ये 14 साल है। आज अच्छा लग रहा है, तुम्हारे बीच रहे
भोजपुरी में अवार्ड शो होता खड़ा रहा कबो कबो बचपन में रह लीजिए देखते रह लीजिए हिंदी के अवार्ड शो होता आज हमारे भोजपुरी के अवार्ड शो बहुत गर्व महसूस हो रहा है भोजपुरी भाषा में कुछ जो लोग आकर्षित हो रहा बहुत अद्भुत छनवा और रवा लोगनी के प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही भोजपुरी सिनेमा के मिलत रहे ताकि भोजपुरी सिनेमा और आगे बढ़त रहे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबन के धन्यवाद सर पिछले साल हुआ था किसी से मतलब मैं क्या सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पे अंदर मैं यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ मज़े ले रहा हूँ बहुत ही अच्छा मीडिया वाले लाल रंजन तो बधाई देना चाहते हैं पकड़ पकड़ के यहाँ लेके आते हैं इस मंच पर खड़ा करते हैं ग्रीन सिनेमा अवार्ड है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे सारी इसके आयोजक विजय पांडे जी के बारे में क्या कहेंगे विजय पांडे जी के बारे में क्या मैं आप सबको इकट्ठा करते हैं चॉकलेटी स्टार चीकू पांडे जी जवा दिलों की दरकन काजल इस प्रोग्राम में क्या कहेंगे चीकू पांडे जी मेरे भाई हैं मैं क्या बताऊँ उनके साथ बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ और उनके साथ फिल्म करने का कुछ अलग मज़ा आता है एनर्जेटिक है चॉकलेट स्टार है हमारे मज़ा आता है मुझे उनके साथ काम करके और ऐसे काम करना चाहता हूँ आप लोग ऐसे काम करना है विजय पांडे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं बस नहीं कहूँगा थैंक यू सर थैंक यू सर सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं हूँ राजी सिंह और आज इतना अवार्ड है और इतना बड़ा शुक्रिया आए हम पाँच सभी लोग वैसे आए भी इतने काफ़ी लोग इसके आयोजक विजय पांडे जी उनके बारे में क्या कहेंगे बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बड़े बड़े शोज को ऑर्गेनाइज किया जाता है बिकॉज इन सब चीज़ों से एक प्रतिभा बाहर आती है जैसे कि हम जो यहाँ पर जो परफॉर्म करते हैं और जो अवार्ड्स मिलते हैं ये प्रतिभा को बाहर निकालते हैं आज कल आप कहाँ हैं बहुत चर्चे आपके बहुत पसंद है थैंक्स अ लॉट फॉर माय फैंस और जो सच में अगर मैं चर्चे में हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एवरी न्यूज़ वाले भी सबको खबर ऐसी आ रही है ग्रीन सिग्नल में आप ब्लास्ट करने वाली हूँ हाँ यस मैं ब्लास्ट करने वाली हूँ सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू मिलते हैं ब्लास्ट के बाद सिनेमा के बारे में क्या कहना चाहूँगा मैं जब पहला अवार्ड शुरू हुआ था थाना में उससे मौजूद था और बड़ी मेहनत के साथ मतलब साथ अवार्ड पूरा किया गया और बहुत अच्छा लगा विजय जी दिन प्रतिदिन इस अवार्ड को बढ़ाते जा रहे हैं आगे की तरफ मेरी यही उम्मीद है और तमन्ना है भगवान से प्रार्थना है कि हमेशा ही अग्रसर रहे और अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया मुकाम देता है अविनाश जी आजकल क्या कर रहे हैं एकदम चर्चा में है इसे खबर आने की छोटा चर्चा में कुछ नहीं बस काम करना काम है अच्छे से काम करो अच्छी फिल्में दो हमारे समाज हमारे भोजपुरी परिवार को एक अच्छा संदेश मिले उस फिल्म में टॉप करता हूँ कौन कौन सी फिल्में आने वाली है बहुत है हमारे आने वाले रिलीज पे है कम से कम आपको 14 क्या बात है चलिए सब लोग का दुआ आशीर्वाद है हमारे दर्शक का हमारे परिवार का थैंक यू सर जीतू शुक्ला और बहुत खुशी हो रही है मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे ही अच्छे कलाकार और बढ़िया कलाकार लोगों का इज्जत मान सम्मान बढ़ रहा है थैंक यू ग्रीन अवार्ड लव यू इसके आयोजक विजय पांडे जी हैं वैसे भी आपको सबको पता है कि मुंबई में गर्मी इतनी है और ग्रीन सिनेमा देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है ग्रीन हर जगह हरियाली पांडे जी को थैंक यू लव यू और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीन अवार्ड एक बहुत अच्छा है और उसी की बात है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आज एक हिंदी फिल्म को भी टक्कर दे रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छी बात है खुशी की बात है और सारे नए कलाकार अच्छे कलाकार सारे लोग मिल के आ रहे हैं जो कि भोजपुरी भी करते हैं साउथ और हिंदी भी कर रहे हैं तो इसलिए बड़ा मजा आ रहा है और पांडे जी को विशेष ग्रीन अवार्ड के लिए एकदम थैंक्स बोलना चाहूँगा थैंक यू सर नमस्कार मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मैं पहली बार भोजपुरी के अवार्ड फंक्शन में आई हुई हूँ क्योंकि ग्रीन सिनेमा अवार्ड वाले पिछले 4 साल से लोग कर रहे हैं
विजय पांडे जी इस शो की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा यहाँ का मतलब भोजपुरी अवार्ड देख के पहली बार, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रही है, उन्होंने बोला आइए देखिए, तो मैं आई यहाँ पे देखिए। आपने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों में प्रोड्यूस किया है, भोजपुरी में क्या इरादा है? मैं सोच रही हूँ कि भोजपुरी अभी आज के टाइम में काफ़ी नाम कर रहा है, तो मैं प्लान कर रही हूँ। भैया मजा आ गया मुझे अवार्ड लेके आया। और कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेशन था अगर कुछ पता है? इसके लिए राइजिंग बिजनेस में, लेकिन मैं ऑलरेडी राइज कर चुका हूँ, तीन अच्छी चीज पड़े। क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं आने वाले समय में? अगर किस टाइप का प्रोजेक्ट पूछा जाते हैं आपसे? मैं फाइनेंसर हूँ और हाउसिंग फाइनेंस और किसी भी तरीके का पैसा मैं देता हूँ। फिल्म बिजनेस में कैमरा खरीदना, कैमरा फाइनेंस नहीं, मीडिया वालों को फाइनेंस नहीं मिलता, लिस्टेड होता है, चाहे बैंक होता है चाहे वो प्राइवेट फाइनेंस किया, लिस्टेड होता है मीडिया वाले। सर कोई मूवी में फाइनेंस करने वाले आपके आने वाले? हाँ अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो कर देंगे, कुछ लिया ही बढ़िया आप लोग हमारे लिए। भोजपुरी सिनेमा के बारे में क्या सोच है आपकी? सोच बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैं भोजपुरी माटी से हूँ और मूवी वहाँ से हूँ जहाँ गेट भोजपुरी जो होती है चंपारण से, तो भोजपुरी के लिए मेरा शुरू से ही रहा है क्योंकि मैं माटी से जुड़ा हूँ। मेरा मानना है कि अगर कुछ बेहतर आएगा तो पक्का करूँगा। किस हीरो के साथ काम करने की इच्छा रखते हैं? मैं एक्टर नहीं हूँ। नहीं आप फाइनेंसर हैं ना, किस हीरो के साथ काम? नहीं पर्टिकुलर मेरे कोई ऐसा स्पेशल हीरो नहीं है कि उनके साथ काम करूँगा, जो अच्छा करेगा उसके साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे ग्रीन सिने अवार्ड के बारे में, पिछले चार साल से लगातार हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर इसको बहुत सारी ऊंचाइयाँ दें। बहुत अच्छे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट के लोग भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और संजय भूषण जी का थैंक यू अदा करूँगी, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, बुलाए। फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। आपको सम्मानित किया गया, सबसे पहले क्या ये अवार्ड फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा। मैं यहाँ पे आए कलाकारों को सबको बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने कलाकारों ने मेहनत की है सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और ये अवार्ड मुझे आज मिला है जिसके लिए मैं सभी जो टीम है ग्रीन सिने अवार्ड की सबको थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपको अवार्ड मिला है जी? ये अवार्ड मुझे भक्ति गीत के लिए मिला है और मैं चाहूँगी कि मैं आगे भी ऐसे अवार्ड मिले गीतों के लिए और आप सभी का प्यार मिले। तो मौका भी है कोई गाना जी? मैं राइटर हूँ तो ऐसे तो मैं गाना सिंगर नहीं हूँ, एज अ राइटर मुझे मिला है। जिस गाने के लिए मुझे मिला है मैं वो उसकी दो लाइनें बताऊंगा। तेरे दरबार में पहली बार तेरे दरबार में थैंक यू मैम। आइए आप सुनाना चाहेंगे ग्रीन सिनेमा अवार्ड का सम्मानित किया गया। आज मैं अपने जितने भी कार्यकर्ता जो हमारे संस्था से जुड़े हुए, जो एक थर्ड जेंडर के बारे में सोचकर किन्नर स्कूल हम लोगों ने बनाया, और हमारे जितने भी संस्था के लोग, मेरे जितने भी हमारे अध्यक्ष रेखा त्रिपाठी जी, हमारे सहयोगी नंदन सिंह कलीम, जितने मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं जो संस्था से जुड़े हुए, जो आज की डेट में भी आपको याद होगा कि कोरोना काल में किस प्रकार से लोगों को अनाज की दिक्कत हो रही थी, उस समय भी अनाज पहुँचाने का काम किया है। और ये सम्मान ग्रीन सिटी अवार्ड के द्वारा मैं जो मिला है ये मैं समर्पित करता हूँ।
आपके और अपने पदाधिकारी को। तो हम लोग जाके हम लोग स्टेज पे सम्मान किया अवार्ड का, क्योंकि हर बार अवार्ड लेते हैं देते हैं तो आज बहुत खुशी होती है, खुशी देने में, बोलते ना कि इन हाथों से देने में जो खुशी मिलती है वो लेने में खुशी। कलाकारों को एक साथ देख के कैसा लगता है मन? सर देखिए मैं तो खुद कलाकार हैं तो हमें तो कलाकारों को देखकर वैसे भी खुशी ही मिलने वाली है। कलाकार कलाकार होते हैं यार, वो तो भाई सरस्वती माँ का देन है, तो कलाकार बोले तो नंबर वन राक्षस जिंदाबाद। 24 तारीख का प्रोग्राम सर कैसा रहा दिल्ली में? एकदम झकास, मैं आप सभी को बोल दूं 24 तारीख की प्रोग्राम मेरा इतना अच्छा हुआ, और जहां पर DPIM आइकॉनिक अवार्ड और साथ में DPIM मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो और साथ में हॉनरेबल डॉक्टर डिग्री हुआ। इसके बाद 27 को हो रहा है कोटा में अप्रैल को, और 24 मई को हो रहा है सेम जगह दिल्ली में, सेम बहुत बड़ा कर रहा हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.